दो मिनट में देंगे। इस बच्चे को भी इतना विश्वास है कि इसकी विश 2 मिनट में पूरी होगी। फिर बोलते जोर से जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये जो आप मुझे रेडी होते हुए देख रहे हो ना, तो मैं जा रही हूँ अपनी एक आंटी जी के घर, वहाँ पे कुछ खास दिखाना है आपको, बहुत ही प्यारा। ये बोले बाबा जी की ये जो तस्वीर लगी हुई है, शायद ही आप कभी किसी ने ये वाला स्वरूप कभी देखा हो, तो मुझे बड़े डिफरेंट सा ये स्वरूप लगा है बोले बाबा जी का। आज तक मैंने ऐसे वाला रूप कभी नहीं देखा, बहुत ही प्यारा रूप। क्या बोल रहे आंटी, ये कहाँ पाकिस्तान से जब रहते थे? और मेरे साथ जा रहे हो तो मेरे भी घर में ऐसा ही माहौल बनाए रखना गुरु महाराज। वैसे तो मैं दांत निकालती रहती हूँ। जी संगत जी, कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ, और हमेशा की तरह आप सबके लिए मैं करती हूँ गुरु महाराज और माता रानी से प्रार्थना कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और मस्त रहें। तो संगत जी, मैं आपको बता दूँ, जो हमारे गुरुद्वार का समय है वो निर्धारित कर दिया गया है 5 से 7 बजे तक, क्योंकि बच्चे को स्कूल भी जाना होता है जैसे मैंने पहले भी बताया, और भी घर वालों को थोड़े कामकाज होते हैं। तो संगत जी प्लीज़ 5 से 7 बजे के बीच आप कभी भी जा सकते हैं। तो संगत जी, आज मैं जा रही हूँ कहीं, बहुत ही अच्छा प्यारा मंदिर है उनके घर पे। मेरी प्यारी संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, मुझे पता है आप लोग गुरु दरबार के दर्शनों के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आंटी जी के घर से आकर मैं तुरंत आपको गुरु दरबार में लेके जाऊंगी, ताकि आप तक गुरु दरबार के आज के दर्शन यानी कि अमृत वर्षा के दर्शन आप तक पहुँचा सकूँ। टेंशन बिल्कुल भी मत दीजिएगा। जी संगत जी, और आज मैं आपको बहुत ही प्यारा मंदिर दिखा रही हूँ, जो कि मेरी एक आंटी जी हैं, आंटी जी के घर में बना हुआ है, और उन्होंने गुरु जी का बहुत ही, मैं कहती हूँ, मेरे को गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं, बहुत ही प्यारा मंदिर गुरु जी का बनाया हुआ है उन्होंने। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ अपने प्यारे गुरु महाराज जी के। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि हमारे जम्मू में भी इतना लोग मान रहे हैं गुरु जी को, इतना मान रहे हैं कि शायद ही पहले कभी किसी को पता भी हो कि गुरु जी कौन है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स गुरु जी की पूरे जम्मू शहर को मिल रही हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ। हमेशा कहती हूँ ज़्यादा बातें ना करते हुए, निकल जाते हैं फिर भी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी जय, गुरु जी जय, गुरु जी जय, गुरु जी। तो ये देखिए संगत जी, कितना प्यारे स्वरूप आंटी जी ने लगाए हुए हैं अपने मंदिर में, बहुत ही प्यारे, इतने प्यारे, ऐसे बस मन कर रहा देखते ही रहे इनको, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा गुरु जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सबसे अच्छा मेरे को क्या लगा यहाँ पे, ये बोले बाबा जी की ये जो तस्वीर लगी हुई है, शायद ही आप कभी किसी ने ये वाला स्वरूप कभी देखा हो, तो मुझे बड़े डिफरेंट सा ये स्वरूप लगा है बोले बाबा जी का। आज तक मैंने ऐसे वाला रूप कभी नहीं देखा, बहुत ही प्यारा रूप। क्या बोल रहे आंटी, ये कहाँ पाकिस्तान से जब रहते थे? तो ये आंटी जी को दहेज में मिला है, क्या बोल रहे? ये जो जिन आंटी जी की मैं घर पे आई हूँ, उनकी मम्मा जी को ये दहेज में मिला था स्वरूप, वो जब पाकिस्तान में रहते थे पीछे, है ना, पाकिस्तान। तो बहुत ही प्यारा स्वरूप है, ऐसा अनोखा रूप शिव जी का मैंने तो भाई आज तक नहीं देखा। जय भोले बाबा। तो साक्षात आंटी जी के घर में तो भाई गुरु जी बैठे हुए हैं, विराजमान है, बहुत ही सुंदर। बाकी का मंदिर भी दिखाती हूँ मैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी, आपने इतने प्यारे प्यारे स्वरूप कहाँ से मंगाए गुरु जी के? कौन से? ये कित सारे इतने प्यारे लगे हुए हैं। मेरे पास है ना। अच्छा, मैंने मंगवाए थे ये छोटे वाले स्वरूप सारे। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो मेरे को भी बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिला है आंटी जी से, बहुत ही प्यारा स्वरूप, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो गुरु महाराज जी, यहाँ से मैं ये जो आपका स्वरूप लेके जा रही हूँ, तो इस घर में सदा खुशहाली ही देना, सारे परिवार के सदस्य आपकी तरह ही मुस्कुराते चहकते रहें, उनके चेहरों पे कभी कोई शिकन ना हो। और मेरे साथ जा रहे हो तो मेरे भी घर में ऐसा ही माहौल बनाए रखना गुरु महाराज। वैसे तो मैं दांत निकालती रहती हूँ। मेरे पास और बहुत स्वरूप है, मैं ऐसे दिखाऊंगी ना, सारे बोलेंगे आंटी से और ला दो, हमें भी ला दो, हमें भी ला दो, आपको मुश्किल हो जाएगी आंटी। आंटी लालच करूँ, मुझे एक और दे दो प्लीज। वही जो ऐसे गुरु जी ने हाथ किया हुआ है, वो वाला। हाँ, ये वाला। जय गुरु जी, शुक्रिया।
बिन मांगे मोती मिले, तो मुझे एक और स्वरूप प्यारा सा गुरु जी का मिल गया है। थैंक यू सो मच आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी और आंटी जी के घर से सीधी में जा रही हूँ गुरु दरबार आप सबके लिए, गुरु महाराज को ये दर्शन कराने के लिए। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी बोलो। ओ, जय गुरु जी। मेरे सर पर रख दो हाथ सदा, हाथ सदा मेरा हाथ सदा, ना मेरा साथ सदा, साथ सदा, साथ सदा, मेरे सर पर रख दो हाथ जरा। डुगरी वालिया मैं प्यार तेरे नाल पालिया, ओ डुगरी वालिया मैं प्यार तेरे नाल पाल। जय माता दी, जय गुरु जी, सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी सभी को। तो सारे गुरु जी के रंग में रंगे हुए हैं, सभी नाच गा के गुरु जी का, मैं कहती हूँ गुरु जी की खुशियां मनाते हैं हम लोग रोज, और गुरु जी हमारी दर्दें भी ठीक कर दिया गुरु जी ने, इतना नचा लिया हमें। आंटी जी जय गुरु जी, आप बड़े दिनों बाद दिखे, क्या बात है, हाजिरी से आप दूर थे भाई, तो सारे मिलके लगाओ हाजिरी, सारे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए संगत जी। तो सारे हम मिलके तीन बार लगाएंगे हाजिरी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना दात्यानंतम शुक्राना, हमेशा हमारे चेहरों पे ये मुस्कुराहट लाने के लिए शुक्राना। ये हमारा घर संगत से हमेशा भरा रहे, आपका दरबार सजा रहे। और संगत जी मैं सभी को आपको बता दूं कि थोड़ा टाइम टेबल हमने चेंज किया है, तो संगत जी थोड़ा आपको पता है फैमिली वाला घर है, तो सारे काम भी रुके पड़े हुए हैं, तो गुरु महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है। इनके नाम का मेला तो सुबह से लेकर रात तक चलता ही रहता है, बट संगत जी हमने कुछ सोच समझ के थोड़ा टाइम टेबल में थोड़ी चेंजेस लाई हैं। आप शाम 5 बजे से 7 बजे तक बेझिझक गुरु दरबार में आ सकते हैं, गुरु जी के राज रज के दर्शन पा सकते हैं, अपनी अर्जी लगा सकते हैं। तो संगत जी प्लीज़ बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा, क्योंकि जो घर का बच्चा है उसे भी स्कूल जाना होता है, उसकी भी पढ़ाई है, बड़ी क्लास है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो मेरे साथ एक बार ज़ोर से लगा दीजिए जय कारा, जय कारा हमारे सबके प्यारे गुरु महाराज जी का सांचे दरबार की जय। तो ये है आज हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के दर्शन, जिनका टीका बह के नाक किन्ना किन्ना लंबा टीका बहाते हैं ये। हाँ संगत जी ये देखिए टीका बह के कहाँ तक आ गया है, और माथे पे इनके ओम बना हुआ है, ये देखो ओम का निशान बन गया है। गुरु जी आज ओम के दर्शन दे रहे हैं, हर रोज ये अलग अलग दर्शन देते हैं, हमें खुश करते हैं। उनको पता है हम बच्चे उनके बड़े ही लालची हैं, हमें पता भी है गुरु महाराज साक्षात हैं इधर, फिर भी हम लोग बस खुश होते हैं उनके दर्शन देख देख के रोज रोज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये देखिए संगत जी ओम का चिन्ह बन गया है गुरु जी के माथे पे, और हमारी संगत बेशुमार खुश है, सारे खुश हैं, रोज झूमते हैं, हम नाचते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये वाले स्वरूप पे भी ये देखना पूरा ओम बना हुआ है, ये देखना। जय गुरु जी संगत जी, तो ये कीजिए दर्शन, आज गुरु महाराज जी अपने टीके में ओम के दर्शन दे रहे हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं तो यही बोलूंगी कि आपकी लीला अपरंपार है, और ये बूंदे भी आना हल्की हल्की शुरू हो गई हैं। ये देखिए संगत जी, और ये थाली पे भी कुछ कुछ बूंदे गिरी हुई हैं, ये देखिए। जय कट दुखा दिया जंजीरानू, हे मेरे प्यारे गुरु महाराज, आपके दर्शन पाके हम लोग धन्य हो गए हैं। रोज़ रोज़ आपके ये जो दर्शन है, आज कितने दिन हो गए हैं ये अमृत वर्षा के दर्शन करते हुए, तो मैं कहती हूँ हमारी जम्मू नगरी पवित्र हो गई है, और वो घर पवित्र हो गया है, वो संगत पवित्र हो गई है गुरु महाराज आपके रोज़ रोज़ दर्शन करके। और मुझे गुरु महाराज के चेहरे पे कभी ओम दिखता है, कभी नाग दिखते हैं, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। संगत जी सबका अपना अपना नज़रिया होता है गुरु जी के दर्शनों का, तो संगत जी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको जल वर्षा के साथ साथ और किस चीज़ के दर्शन होते हैं। मेरे को जो होता है मैं बता देती हूँ। तो संगत जी ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, और जो आना चाहते हैं संगत जी प्लीज़ मेरे एक बार वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उस पर मैंने पूरा एड्रेस दिया।
जी। गजी सारे ना मिलके ओम नमः शिवाय का जप करते हैं 3 बार, ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। दरबार पे जाऊं और उनके दर्शन करूं। अच्छा, अंदर से बड़ी भावना थी मेरी, बहुत ज्यादा। तो पहले से नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में कुछ भी? पहले कुछ नहीं जानते। यहीं पे आके मतलब? हाँ, यहीं पे। तो यहीं पे आके आपका कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा है। चलो जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कोई सुनाना चाहेगा अपना सत्संग? अंकल आप सुनाओ, आप सुनाना चाहोगे कि आपका कैसे कनेक्शन बना है? ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए, हम लोग जो सुनाते हैं आगे सत्संग। तो दिल्ली से पता चला था इसका। हाँ जी। तो मैं, हमने कहा तो सब रूप में हुआ थे इनका। हाँ जी। तो फिर पता चला कि इधर किसी ने बताया कि इधर गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। जी जी। तो सुना था पर आए नहीं थे। हाँ जी। फिर भी प्रोग्राम बन के तुरंत दर्शन तो करके आए, देखे तब से आ रहे हैं कि दर्शन करने। तो अच्छा लग रहा, मतलब कोई चेंजेस आई हैं आपकी लाइफ में गुरुजी से जुड़ने के बाद? चलता ही रहता है, अच्छा लगता है आना, मतलब खुशी मिलती। हाँ, है एक है ना, एक हाजिरी लगाना ऐसा लगता है, रोज आना है हाजिरी लगाने। ये वाले अंकल तो रोज ही अपनी हाजिरी लगाने आते हैं यहाँ पे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो और कोई सुनाना चाहेगा? आप सुनाओगे आपका कैसे कनेक्शन बना? मेरा कनेक्शन वो था, अभी गाड़ी में जा रहा था घूमने। हाँ जी। तो वहाँ से इनकी उसके चंदन की वर्षा हुई थी। चंदन की? चंदन की, चंदन की उसके जल किसी की गाड़ी में? हाँ हाँ, उनकी गाड़ी में उतर थी। डॉटर ही ला थी ना उनकी गाड़ी में ना, वहाँ के दिल्ली की थी वो। हाँ जी हाँ जी, वो उनकी गाड़ी पे वर्षा हुई थी। अच्छा जी, देखो गुरु जी, जय गुरु जी, दर्शन हुई थी। अच्छा, मतलब अमृत वर्षा हुई थी उधर भी। तो देखो गुरुजी, जगह थोड़ी देखते हैं कि अब गाड़ी छोटी सी आई है, थोड़ी देखेंगे कि वो इतनी सी गाड़ी, तो मैं वहाँ दर्शन नहीं दूंगा। गुरुजी कहीं भी दर्शन देते हैं, गुरुजी की लीला ही ऐसी है। मतलब कनेक्शन तभी से आपका बन गया। चलो जी, जय गुरुजी। तो गुरुजी के साथ ऐसे ही कनेक्शंस बनते हैं। बहुतों के पास अपना अपना सत्संग है, तो सत्संग शेयर करने में प्लीज़ बिल्कुल भी शर्म ना किया करें। सत्संग शेयर करने से बार बार मैं बताती हूँ, आप ब्लेस्ड होते हो, सुनने वाला भी होता है और आप लोग भी होते हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कहाँ पे है? गुरु जी कहाँ पे है? ये रे गुरु जी, आपको देते हैं कुछ? गुरु जी कुछ देते हैं क्या? मैं समोसे देते हैं भाई। समोसे देते हैं आपको गुरु जी? है? आज क्या लेना गुरु जी से? मैं? आज क्या मांगा आपने गुरु जी से? हाँ, समोसा मांगा था मैंने। समोसा तो दिया उन्होंने, दिया आज? वो भी बैठे हुए हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना। गुरु जी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको समोसा नहीं दिया? अभी 2 मिनट में देंगे। 2 मिनट में देंगे? इस बच्चे को भी इतना विश्वास है कि इसकी विश 2 मिनट में पूरी होगी। फिर बोल दे जोर से, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ जय गुरु जी। इधर इधर गुरु जी की असली भक्त है, असली बच्ची है तू। तेरे को वो आता है ओम नमः शिवाय? आता है ओम नमः शिवाय? आता है? आता है ओम नमः शिवाय? आता है घर पे? आता है। अच्छा, अपना सभी को नाम बता दो, सभी आपको देखेंगे कि कितनी अच्छी गुड्डू 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 सी लड़की है ये। क्या नाम है सुना दो? स्माइल। तो शंकर जी इसका नाम स्माइल है, जिसको गुरु स्माही स्माही है, जिसको गुरु जी क्या देती है? मेहंदी का इशारा। और स्माही ने मेहंदी भी लगाई है, दिखा दो मेहंदी।
तो सुमाही को गुरु जी क्या देते हैं? समोसे। जय गुरु जी संगत जी। और इतनी क्यूट क्यूट से संगत आती है गुरु दरबार में, जिसे छोड़ के जाना मुश्किल हो जाता है, बट क्या करें, घर के कामकाज भी होते हैं और मेरे घर में आज रिलेटिव आ गए हैं तो मैं जा रही हूँ घर पे। तो संगत जी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, आपको एड्रेस पता चल रहा है कि नहीं, और मैंने हमेशा आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया कीजिए संगत जी, मैंने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाला होता है गुरु दरबार का, तो आप इजिली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और संगत जी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जरूर बताएं, और अगर मेरी कोई गलती है तो वो भी बताएं। तो मिलूंगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको जय माता दी, जय गुरु जी। और बोलो मेरे लिए कुछ, आंटी ने बोलो भाई, लाइक और सब्सक्राइब करो, आप अच्छे ही बोलो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, अच्छी तरह बोलो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। तो गाइस जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे आ सके। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, और लगा दीजिए एक बार जोर से जयकारा, जयकारा शेरा बालीदा बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय, जय गुरु जी, जय गुरु जी।